नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस चैनल टेक्निकल ब्लॉग में। तो ये न्यूज़ जो आ रही है उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। यहां पर आप देखेंगे 16/5/16/6/2021 की न्यूज़ है। सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड लखनऊ, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त उपलब्ध कराने के संबंध में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पत्रांक दिनांक इतना पत्रांक नंबर है ये 8 जून। कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचनादायी श्री इनके नाम है जिन्होंने आरटीआई मतलब डाला था ऑनलाइन। पत्रांक संख्या, ये पत्रांक संख्या है दिनांक 19 मई 2021 द्वारा आपने प्रेषित पत्र में निहित 3 बिंदुओं पर सूचना चाहिए है के क्रम में सूचना आख्या निम्नवत है, यानी इन्होंने बताया है कि नीचे सूचना वो दी गई है। पहला सवाल पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के सृजित पद यानी टोटल पद कितने हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के इन्होंने कहा भैया 272 पद हमारे यहाँ हैं जूनियर इंजीनियर के। और उसके बाद यहाँ पर आप आगे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के कुल सृजित पदों में से कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं, यानी उन्होंने कहा है कि भैया आपके पास कितने पद खाली हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के कुल सृजित पदों में से 216 पदों, यानी आप यहाँ डेट देखेंगे तो 1 जून 2021 तक, यानी अभी लगभग 15-20 दिन पहले का डाटा है, बताया है कि 216 पद इस समय तक रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों में 14 नंबर त्याग पत्रित और अभियंता सिविल के भी सम्मिलित हैं। और यहां पर देखेंगे उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के रिक्त पदों पर नई भर्ती हेतु निकट भविष्य में योजना, यानी पूछा गया है कि आप भविष्य में इसकी वैकेंसी निकालेंगे। तो इन्होंने कहा है शासन द्वारा अनुमोदित जूनियर इंजीनियर सिविल के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अधिचयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है। शेष रिक्त पदों पर शासन से अनुमोदन हेतु विचार किया जा रहा है, यानी शेष पदों को भी भरने के लिए जो भेजा जा चुका है वो अलग ही, लेकिन क्या है कि और भी जो पद हैं जो खाली हैं उन्हें भरने के लिए शासन यानी सरकार विचार कर रही है। तो यहाँ पर देखेंगे ये पूरी न्यूज है कि लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 प्लस पद खाली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 200 से भी ज़्यादा पद खाली हैं, किसमें केवल यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन में, और भी सारे डिपार्टमेंट हैं। जल निगम हो गया, जल निगम का मामला इसलिए अभी रुका हुआ, जल निगम की वैकेंसी आने की पूरी संभावना थी वो इसलिए रोका गया है क्योंकि अभी जो केस चल रहा है इन लोगों का, जो जल निगम 2016 का जिसका मतलब नोटिफिकेशन इन्होंने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था, तो उसका अभी उनका केस चल रहा है। तो जल निगम का मामला इसलिए भी फंसा है, नहीं तो जल निगम में 500 के आसपास जो पोस्टें आने वाली थी जो सुनने में आ रहा था, हो सकता है डिपार्टमेंट खुद करवाता क्योंकि इलेक्शन अभी पास में है, तो जेई की वैकेंसी हो सकता है जो 500 सुनने में आपको आ रही थी तो ये वैकेंसी खुद डिपार्टमेंट करवाता क्योंकि इसके पहले जल निगम ने खुद वैकेंसी करवाई है, यानी वो 2016 की जो वैकेंसी है पहली बार ऐसा हुआ यूपी SSC को दिया, नहीं तो इसके पहले जो भी वैकेंसी थी वो जल निगम ही करवाता था। 2014 में जो आई थी, 2016 में जो दोनों वैकेंसी आई थी, जो एक का नोटिफिकेशन रद्द हुआ एक का मतलब क्लियर था, तो दोनों वैकेंसी को जल निगम ही ने यानी खुद करवाया था, यानी कॉन्ट्रैक्ट देकर करवाया था। अब ये क्या करते हैं, ये खुद करवाते नहीं है, दूसरे डिपार्टमेंट को दे देते हैं, लेकिन हो सकता है इलेक्शन नज़दीक है, अभी इलेक्शन होने वाले हैं लगभग 6 महीने में, तो हो सकता है कि वैकेंसी रिलीज हो, कोई संभावना मतलब है। लेकिन यहाँ पर मामला जो फंसा हुआ है यूपी SSC का, तो ये काम तेज़ी से हो रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि यूपी पुलिस की 50,000 लगभग वैकेंसी आने वाली है सितंबर तक, तो उम्मीद है सरकार है कुछ भी कर सकती है, पुरानी वैकेंसी क्लियर कर सकती है कि नहीं कर सकती है उसकी मर्जी है, नई वैकेंसी निकाल कर हो सकता है डिपार्टमेंटल करवा दे, ये उनकी मर्जी है। अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।